एंटीगा में खेले गए चौथे एकदिवसीय में वेस्टइंडीज ने भारत को एक कम स्कोर वाले मुकाबले में 11 रनों से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 189/9 के जवाब में भारतीय टीम 50वें ओवर में 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 2 रन 1 सेकंड आगे है और आखिरी मैच 6 जुलाई को किंगस्टन जमैका में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। शुरुआत के 5 बल्लेबाजों ने 20 या उससे ज्यादा रनों का योगदान दिया और एक समय मेजबान टीम का स्कोर 154/4 था, लेकिन न उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 50 ओवरों में 189/9 के स्कोर पर ही रोक दिया। उमेश यादव और हार्दिक पांड्या 3 रन 3 एवं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 2015 विश्व कप के बाद अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेला, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा 35 रन 35 रन एविन लुइस और काइल हुक ने बनाए। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही और शिखर धवन 5, विराट कोहली 3 और युवराज की जगह टीम में शामिल किए गए दिनेश कार्तिक 2 फ्लॉप रहे। अजिंक्य रहाणे 61 ने लगातार चौथे मैच में 50 सेकंड ऊपर का स्कोर बनाया और चौथे विकेट के लिए महेंद्र सिंह धोनी के साथ 54 रन जोड़कर टीम को संभाला। हालांकि दूसरी तरफ धोनी एक बेहद धीमी पारी खेल रहे थे और उन्होंने 108 गेंदों पर अपना 64वां अर्धशतक पूरा किया। ये धोनी का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे धीमा और भारत की तरफ से किसी भी बल्लेबाज का दूसरा सबसे धीमा रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम अर्धशतक था। केदार जाधव ने 10 और हार्दिक पांड्या ने 20 रनों का योगदान दिया था। 47 ओवर में जब भारत का स्कोर 171/6 था, तब जीत एकदम पक्की लग रही थी। वहीं से जेसन होल्डर ने रविंद्र जडेजा 11 को आउट करके मैच का पासा पलट दिया। 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी 114 गेंद 54 रन पी केसरिक विलियम्स की गेंद पर आउट हो गए और मैच एकदम से भारत के हाथों से छूट गया। आखिरी ओवर में होल्डर ने 2 और विकेट लेकर भारत की पारी को 178 रनों पर समाप्त किया और 27 रन देकर पारी में 5 विकेट लिए। अल्जारी जोसेफ ने भी 2 विकेट लिए। केसरिक विलियम्स ने धोनी का महत्वपूर्ण विकेट लिया और एशली नस को भी एक सफलता हाथ लगी।